हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएं। क्या तीसरी लहर के खतरे में हैं बच्चे? राज्य में अब तक 0 से लेकर 10 वर्ष के 1,45,930 बच्चे वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में हर दिन करीब 300 से लेकर के 500 बच्चे बीमार हो रहे हैं। राज्य में 11 से 20 साल के 3,29,709 बच्चे और युवा अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ज़्यादातर बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित हैं और उनमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण हैं हल्का बुखार, खांसी, जुखाम और पेट से संबंधित समस्या। कुछ को तो शरीर में दर्द होता है, कुछ को सिर में दर्द होता है, दस्त होती है और उल्टी की शिकायत भी होती है। ऐसे में कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें बच्चों में निमोनिया भी देखा गया है। एक्सपर्ट की राय है कि पेरेंट्स, माता-पिता बच्चों में हल्के लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करें। बच्चों में संभावित डायरिया, सांस लेने में समस्या और सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखें। खासकर बुखार के साथ इस तरह के लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कैसे बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाएं? तो संक्रमण के दौरान बच्चों को दूर रखें, बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं, खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दें, बच्चों के साथ सार्वजनिक स्थानों, फंक्शन या किसी अन्य आयोजन में ना जाएं। बच्चों को घर पर घर का बना खाना ही खिलाएं, फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन्स दें और प्रतिदिन योग प्राणायाम करवाएं। घर पर बच्चों को योग की आदत डालें जिससे वो तीसरी लहर की चपेट में नहीं आए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, धन्यवाद।